नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टेक्स्ट को रिवर्स कैसे करें। सो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट हैं और सारे सेल्स में जो है लेंथ अलग अलग है। आप देखेंगे किसी में तीन ही टेक्स्ट हैं, किसी में मल्टीपल टेक्स्ट हैं। तो अब हम इसको रिवर्स करने वाले हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले करना क्या है, हमें यूज़ करना है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ फंक्शन बताता है उस सेल की लेंथ, यानी कि उस सेल में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैं लेंथ फंक्शन करके प्रेस करूंगा और यहाँ पे पता लगेंगे यहाँ पे 8 करेक्टर्स हैं। अब मुझे सेकंड स्टेप क्या करना है, मुझे यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक गिनती जनरेट करनी है, जो कि काम करता है सीक्वेंस फंक्शन। तो हम यूज कर लेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस के करने के बाद क्योंकि हमें कॉलमनर फॉर्म में जनरेट करना है, तो हम यहाँ पे रो को स्किप कर देंगे और कॉलम के अंदर लेंथ का फंक्शन लिख के और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से आपका 8 आ गया। क्योंकि हमें ये सीरीज को रिवर्ट करना है, अब हमें क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। यानी कि 8 नंबर पहले चाहिए होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमारा जो सॉर्टिंग करता है वो हमारा सॉर्ट फंक्शन करता है। अब हम यूज करेंगे सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन में आपसे पूछ रहा है अरे अरे ये जो आपके कंटेंट लिखा हुआ है पूरी की पूरी एरे है। नाउ क्योंकि आपका एक ही कॉलम है तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा 1 और यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट करना है, -1 कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये रो फॉर्म में सॉर्ट करता है तो हम इसे ट्रू कर देंगे। अगर आपको कॉलमर फॉर्म में सॉर्ट करना है, ट्रू कर दूंगा तो मैं क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट, अगेन एंटर कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ से 8 आपकी जो रेंज है अब वो रिवर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो टेक्स्ट हैं ये आपके एक्सट्रैक्ट करने होंगे। यानी कि जो 8th पोजीशन पे टेक्स्ट है यानी कि F, उसको यहाँ पे लाना होगा YP#WC। इस तरह से हमें काम करना होगा। और अब हम कर लेते हैं, इसके लिए हमें जो यूज करना है वो है मिड फंक्शन। यहाँ पे ये पूछ रहा है विच टेक्स्ट यू वांट टू ब्रेक, आई वांट टू ब्रेक दिस कॉमा। नाउ दिस होल थिंग जो ये पूरी की पूरी चीज है ये आपकी स्टार्टिंग पोजिशन है, कॉमा एंड नंबर ऑफ करेक्टर। आपको हर बार एक करेक्टर को ब्रेक करना है, 1 कर देंगे, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को और फिर से आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट था वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें लास्ट स्टेप में सिंपल इन सबको जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम यूज करेंगे टेक्स्ट जॉइन। यहाँ पे ये पूछ रहा है डिलिमिनेटर मीन्स हाउ डू यू वॉन्ट टू जॉइन योर टेक्स्ट। मैं यहाँ पे सिंपल डबल कोट्स लगा देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू क्योंकि मुझे इग्नोर एम्प्टी करने हैं, यस नाउ कॉमा और जो ये पूरा चीज है आपके टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 है और एंड में आके अब हम लगा देंगे क्लोज दी ब्रैकेट एंड एंटर। तो आपके देखेंगे जो भी आपकी सीरीज थी वो रिवर्ट हो गई। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आपके अब सारे जो भी टेक्स्ट थे वो आपके रिवर्स सीरीज हो गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।